सुरेंद्र प्योत कंप्यूटर लैब अटेंडेंट वेलफेयर एसोसिएशन राज्य प्रधान, आज माननीय शिक्षा मंत्री जी का हमने धन्यवाद किया है, क्योंकि पिछले दिनों 12 जनवरी को प्रदेश भर के कंप्यूटर लैब अटेंडेंट और शिक्षक का जो प्रतिनिधिमंडल था भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी चंडीगढ़ के अंदर, जिसके अंदर कई मांगों पर सहमति बनी थी और उन मांगों को देखते हुए सरकार ने जो कल 25 तारीख को एक पत्र जारी किया, जिसमें कंप्यूटर लैब अटेंडेंट और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए जो महिलाएं हैं उनको मैटरनिटी लीव विथ पे और इसके साथ साथ जो एक साल के अंदर हर महीने जो कैजुअल लीव मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने पत्र जारी करके साल के अंदर 12 जो कैजुअल लीव है वो देने की घोषणा की है, जिसका पत्र कल हर जो जिला स्तर पे चलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे सर सरकार को, आपकी डिमांड मानी? हम सरकार से ये एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरीके से जो कल पत्र जारी किया है, जो पिछली जो मांगे हैं जिन पे सहमति बनी थी, हमें पूर्ण आशा है कि सरकार जल्द से जल्द उन पे भी पत्र जारी करेगी और निश्चित तौर पे जो शिक्षा मंत्री जी ने एक वादा किया था कि आपका जो वेतन बढ़ोतरी है उस पे भी विचार करके जल्द पत्र जारी होगा, तो हम निवेदन करते हैं कि वेतन बढ़ा के एक सम्मानजनक स्थिति में कंप्यूटर लैब अटेंडेंट कंप्यूटर शिक्षकों का वेतन जल्द बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, हम जो आज कल पत्र जारी हुआ उसका जो सरकार का हम फैसलों का स्वागत करते हैं और निश्चित तौर पर एक आशा करते हैं भविष्य के अंदर भी कंप्यूटर लैब अटेंडेंट और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आएगी सरकार। दोनों ही जो कंप्यूटर लैब असिस्टेंट हैं और कंप्यूटर शिक्षक हैं, ये भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में इनका एक प्रतिनिधिमंडल जो है मैं मिलने आया था और इन्हें अपनी कुछ डिमांडें रखी थी, तो उनमें से कुछ डिमांडें जो हैं, एक तो मैटरनिटी लीव और एक केजुअल लीव, वो हमने उनका पत्र जारी कर दिया और आगे जो इनकी मांगे हैं उस पर आगे विचार।